बैंगन में फल छेदक कीट। ये कीट फल आने पर फलों में छेद कर अंदर घुस जाते हैं। ये फल के भीतर ही अंडे देते हैं। इन अंडों में इल्ली या सूड़ी विकसित होकर फल को भीतर ही भीतर खाती हैं। फलों का आकार बिगड़ जाता है, फलों की गुणवत्ता कम हो जाती है, फसल की जबरदस्त हानि होती है। इससे बचाव के लिए उपाय नंबर एक, उपयोगी सामग्री, अरंडी के बीज 60 किलोग्राम या 10 खांची, फिटकरी 2 किलोग्राम। अरंडी के सूखे बीजों को खल मूसल में अच्छी तरह कूट लें। फिटकरी को भी कूटकर बारीक कर लें। दोनों को अच्छी तरह मिला लें। इस तैयार मिश्रण को बैंगन के बीजों की बुआई के एक हफ्ते पहले खेत में बुरक कर खेत की जुताई कर दें। मिश्रण की यह मात्रा एक एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। उपयोगी सामग्री एक बार फिर, अरंडी के बीज 60 किलोग्राम या 10 खांची, फिटकरी 2 किलोग्राम। उपाय नंबर दो, उपयोगी सामग्री, नीम की हरी पत्ती 15 से 20 खांची, पानी 2 बाल्टी। नीम की पत्तियों को किसी बड़े भगोने में डाल दें। इस भगोने में 2 बाल्टी पानी डाल दें। अब इस भगोने को आंच पर रख दें। नीम की पत्तियों को पानी में अच्छी तरह उबालकर पानी को छान लें। इस छने हुए पानी का छिड़काव प्रभावित पौधों पर करते हैं। फल छेदक कीटों के नियंत्रण में ये प्रयोग प्रभावकारी साबित हुआ है। उपयोगी सामग्री एक बार फिर, नीम की हरी पत्ती 15 से 20 खांची, पानी 2 बाल्टी। यह मात्रा एक एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। उपाय नंबर तीन, उपयोगी सामग्री, सुरती या तंबाकू की गांठ 5 किलोग्राम या 1 खांची, हींग 250 ग्राम या 2 मुट्ठी, मिट्टी का मटका 1। सुरती की गांठ को अच्छी तरह कूट लें। इसे मटके में डालकर पानी से भर दें। मटके का मुंह अच्छी तरह बंद कर दें। मटके को उसी हालत में 15 से 20 दिनों के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। जब सुरती की गांठ पानी में अच्छी तरह सड़ चुकी हो तो मटके का मुंह खोलकर पानी छान लें। इस छने हुए पानी में हींग को कूचकर अच्छी तरह मिला दें। इस मिश्रण में 1 बाल्टी पानी मिला दें। इस तैयार घोल का छिड़काव बैंगन की खड़ी फसल पर अच्छी तरह करना चाहिए। ये मिश्रण एक एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। उपयोगी सामग्री एक बार फिर, सुरती या तंबाकू की गांठ 5 किलोग्राम या 1 खांची, हींग 250 ग्राम या 2 मुट्ठी, मिट्टी का मटका 1।